कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट पर इस बार दीपेंद्र हुड्डा को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस सीट पर इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का हो गया है। रोहतक लोकसभा सीट में इस बार मुकाबला कड़ा हो गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में इस बार उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। जीत की हैट्रिक लगा चुके दीपेंद्र हुड्डा चौथी बार चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे हैं। जाट बहुल इस सीट पर मुकाबला कांटे की टक्कर का हो गया है। कभी एक तरफा जीत के साथ कांग्रेस के खाते में जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने दिन रात एक कर दिए हैं। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी अरविंद शर्मा भी दीपेंद्र हुड्डा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अरविंद शर्मा कभी कांग्रेस की जीत से करनाल से सांसद चुने गए थे, लेकिन बाद में उनका मोह भंग हो गया और अब वो कांग्रेस को ही हुड्डा के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं। इधर इस सीट पर इनेलो, जेजेपी, आप और बीएसपी एलएसपी गठबंधन ने भी चुनावी दंगल में योद्धा उतारे हैं। इनेलो ने यहाँ पर धर्मवीर फौजी को टिकट दिया है, वहीं जेजेपी आप गठबंधन ने यहाँ पर छात्र नेता प्रदीप देसवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी एलएसपी ने रोहतक के लोकसभा चुनाव के दंगल में किशन सिंह पांचाल को खड़ा किया है। रोहतक संसदीय सीट की बात करें तो ये तीन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है, जिसमें रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी जिले की विधानसभा सीटें आती हैं। रोहतक जिले की रोहतक, महम, गढ़ी सांपला, किलोई और कलानौर विधानसभा सीटें हैं। झज्जर जिले की झज्जर, बहादुरगंज, बेरी और बादली विधानसभा सीट है। वहीं रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट इसी सीट के अंतर्गत आती है। रोहतक लोकसभा सीट में इस बार मुकाबला कड़ा हो गया है और कांग्रेस के गढ़ में कड़ी चुनौती दीपेंद्र हुड्डा को मिल रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा जीत के साथ कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल पाते हैं या नहीं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।